हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दोबारा नीरज से मिलाना चाहूँगा। दोबारा से क्या मतलब, पिछली बार भी आप लोगों ने इंटरव्यू देखा और काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से। तो नीरज आज मतलब ये वर्किंग कर रहे हैं, थोड़ा तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है, बट फिर भी आप लोगों के लिए कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ पर हैं। इनको एक जॉब मिल चुकी है और जो उस जॉब में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तो मैं नीरज को बोलूंगा, नीरज थोड़ा सा कुछ थोड़ी सी जर्नी बताइए कि कैसे कैसे रहा आपको एक टेक्निकल कोर टेक्निकल जॉब मिलने तक। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम नीरज तिवारी है। आप सभी को स्किल्ड हिंदुस्तान परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं 10th बैच का स्टूडेंट हूँ और मैं ज्वाइन किया YouTube के माध्यम से ही ज्वाइन किया था और यहाँ पे अपना 15 दिन का ही ऑनलाइन क्लासेस किया था और उसके बाद ही मैं 15 दिन बाद यहाँ पे ऑफलाइन के लिए आया। क्लास करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, प्रैक्टिकली नॉलेज हुआ। उसके बाद मैंने 3-4 जगह इंटरव्यू दिया, जिसमें से एक जगह थोड़ा सा कुछ मिसिंग था वहाँ पे, बाकी मेरा 3 जगह सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं फाइनली अभी वर्किंग हूँ, ये विप्रो कंपनी लिमिटेड है, ये EFS फैसिलिटी सर्विस मतलब है, और वहाँ पे मैं एज ए MST वर्किंग प्रेजेंट टाइम में हूँ। और अपना वहाँ पे बहुत बड़ी साइट है सर, मैं जैसे आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पे सर 33 KV इनकमर है। वहाँ पे 33 KV के 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उसके बाद 11 KV के वहाँ पे 8 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं सर। ओके। और बहुत मतलब बहुत नाइस सर साइड है। और सबसे पहले मैं आपको सर तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सर इस अपने टेक्निकल लाइन में मैं इधर उधर भटक रहा था टेक्निकल लाइन में। पहले टेक्निकल में कर रहे थे, नॉन टेक्निकल में कर रहे थे। इसके पहले मैं सर नॉन टेक में कर रहा था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन ट्रेनी था। तो उसके बाद फिर आपसे जो है मुलाकात हुआ, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जगा, उसके बाद फिर अपने परिवार से जुड़ गए, उसके बाद आप लोग की समझ आज बैठे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। और मुझे काफ़ी सर अच्छा लग रहा है वहाँ पे जॉब करने का। मतलब एक सर ये होता है ना कि अपना जो होता है कि अपनी लाइन, अपना टेक्निकल, अपना इलेक्ट्रिकल, क्योंकि मैं शुरुआत से इलेक्ट्रिकल से ही था, 4 से 5 साल से मेरा काफ़ी इलेक्ट्रिकल से ही। आपने पहले ITI फिर डिप्लोमा दोनों चीज़ें की हैं, तो उसमें भी भाई ITI के बाद इंटरेस्ट है जब भी बंदा डिप्लोमा की तरफ जाता है। सर अभी करंटली बीटेक भी कर रहा हूँ। बीटेक भी कर रहे हैं तो इसके वजह से सर मुझे काफ़ी इस चीज़ में इंटरेस्ट था। अब मुझे एक वे नहीं मिल पा रहा था, एक रास्ता नहीं मिल पा रहा था। और आप जो है आपको क्या कहे सर, भगवान कहे या जो भी कहे सर, कुछ नहीं, देखो कोई भगवान नहीं है। मैं देखो आप भी तुम्हें रोक के ना एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि यार यहाँ पर ना यार बहुत सारे स्टूडेंट थे जो लोग थे, बट नीरज का जो इंटरेस्ट था ना स्टार्टिंग से ही, वो मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इसको अभी मैं कल डिस्कस कर रहा था कि इसको हमें एक बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द बैच का अवार्ड भी हमें एक देना है, तो आपका भी बता रहे हैं आपको। ओके थैंक यू सर। आपका एक सर्टिफिकेट हमारे पास अभी एक दो दिन में हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। ओके सर। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द बैच। ओके। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द बैच ना ऐसे ही बनता है, मतलब उसका भाई ये हॉस्टल में थे हमारे पास, इनका वहाँ रहने का, लोगों से बात करने का, कोर्स के अंदर इंटरेस्ट लेने का, और ये बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके, और सिर्फ आप वाले बैच से ही हमने ये डिसीजन लिया था कि इस बैच से हम स्टार्ट करेंगे। अभी कल जो नेक्स्ट बैच आया हुआ है उसको भी अनाउंसमेंट कर देंगे कि जो सबसे अच्छा स्टूडेंट रहेगा नॉलेज वाइज, बिहेवियर वाइज, तो हम उसको एक सर्टिफिकेट देंगे एक स्टूडेंट को। तो एक तो वो आपको है, तो जितनी भी चीज़ें रहती हैं, मैं कहता हूँ कि आपकी जो बातों से और आपकी चीज़ों से जो मुझे लगा कि आपका ग्राफ ना, मतलब कई लोगों का ग्राफ यूँ चलता है भाई, ठीक है, तुम्हारा ग्राफ ना यूँ जाने वाला है अभी आगे। बिल्कुल सर। तुम्हारा ग्राफ बिल्कुल सीधा जाने वाला है। वो क्यों जाने वाला है? तुम्हारी इंटरेस्ट के ऊपर, तुम्हारी चीज़ों की, तुम्हारी नॉलेज के ऊपर और तुम्हारे आउटपुट के ऊपर तुम्हारा ग्राफ बिल्कुल सीधा जाने वाला है बहुत जल्दी। जो मेरी मतलब
सोच कहती है ना कि एक साल से डेढ़ साल के अंदर अंदर ना तुम फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे होगे। जी सर, बस आपका आशीर्वाद सर बना रहेगा, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल मेहनत करूंगा सर। बिल्कुल, देखो सारी चीज़ें मैं लोगों को बोलता हूं कि हमारे पास ना जीरो से लेके हीरो तक के कोर्सेज हैं। तो जीरो से हीरो क्या मतलब हो गया? जीरो से मतलब भाई आपको पहली जॉब मिल गई, वो एक जीरो है भाई, कहीं खड़े हो गए हैं। फिर इसके बाद में एक नेक्स्ट पोजिशन आती है सुपरवाइजर के लिए, आपको जो हमारा टारगेट रहेगा कि अगले 6 महीने में आप एक सुपरवाइजर की पोजिशन पर पहुँच जाओ, और वहाँ पर 6 महीने 8 महीने जॉब करके फिर एक नेक्स्ट पोजीशन पर। भी आपका नॉलेज टेक्निकल अच्छा है, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो यही सारी चीज़ें आगे ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जब आपका इंटरेस्ट है, आपका आउटपुट है, तो उसके आधार पर ही हैं। बिल्कुल सर। तो कुछ और आप कहना बताना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी दोस्त यार मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, मेरे बैचमेट हमें देख रहे हैं, ये आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मेंटेनेंस में जाना चाहते हो, या इलेक्ट्रिकल से और चीज़ों को अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, अपने कोर सेक्टर में जाना चाहते हो, अपने कोर में ग्रोथ चाहते हो, तो आप एक बार सर से अपने स्किल हिंदुस्तान जो है ऐप, स्किल हिंदुस्तान का एक ऐप भी, एप्लीकेशन भी है सर ने बना रखा है, और स्किल हिंदुस्तान का एक यूट्यूब, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग एक बार विजिट करिए। कोई मैं यहाँ पे प्रचार और उसके लिए नहीं बैठा हूँ कि मैं सर बोल दिए कि अब मेरा इंटरव्यू चल रहा है, थोड़ा सा मेरी प्रचार हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अपना एक पर्सनल व्यू है सर के लिए, क्योंकि गुरु का काम होता है शिक्षा देना, और हम लोग का काम है उसको ईमानदारी पूर्वक लेना और उससे आगे बढ़ना। तो मेरा आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा फ्रेंड्स कि आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो एक बार सर से कांटेक्ट करिए, और जो भी आप जॉब नहीं कर रहे हो, या तो नॉन टेक्निकल फील्ड में आप जॉब कर रहे हो, या प्रोडक्शन में जॉब कर रहे हो, या घर बैठे हो ITI डिप्लोमा BTEC करके, आपके पास सारी डिग्रियां होने के बावजूद भी आप बेरोजगार हो, तो आप एक बार सर से कांटेक्ट करिए, आपको कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से लोग बहुत आगे तक गए हैं। जैसा कि मैं भी सर से इसके पहले काफ़ी डिस्कशन किया था इस सब चीज़ के बारे में, उसके बावजूद मैं सर का इंटरव्यू सेशन, एक वीडियो है उस पर भी सारे वीडियोस को मैं देखा था, उसके बाद मेरा और इंटरेस्ट बढ़ा। तो आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग एक बार अपना सर से बात करें, और आप एक अपनी टेक्निकल लाइन को चुने, और आप एक अच्छे जगह जो है पहुँचे, मेरी यही जो है सबको रिक्वेस्ट है। अभी एक चीज़ रहती है जो अभी कि सर सैलरी क्या मिल रही है, तो वो थोड़ा सा और आप बताएंगे कि क्या सैलरी आपको दे रहे हैं आपकी फर्स्ट जॉब में? सर अभी मुझे करंटली जो सैलरी मिल रही है सर, वो हमारी इन हैंड हमारा सर 15,000 है इन हैंड, और CTC मेरा 16,927 रुपये है, क्योंकि सर MST पोस्ट हमारी है, और मल्टी स्किल टेक्नीशियन। और मैं आपको सर, मैं सभी फ्रेंड्स में आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये अपना टेक्निकल जो लाइन होता है, ये इट इज़ अ डेंजरस वर्क, डेंजरस वर्क मतलब ये खतरे वाला जो है काम रहता है, तो आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव या फिर डायरेक्ट मैनेजर पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। शुरुआत में आपको चीज़ों को समझना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, जितने भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट हैं जो भी प्लांट में चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी करना, उन सब चीज़ पे वर्क करना। तो आपको शुरुआत में असिस्टेंट भी ज्वाइन करना पड़ सकता है, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो सर 30 दिन का ऑनलाइन कोर्स चला रहे हैं इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स, तो उसमें आप कितना अपने आप को अपडेट कर पाते हो, कितना अपने आप को अपग्रेड ले जा सकते हो, उससे अच्छा आपको बेटर जॉब मिलेगा। मुझे तो मेरा जो है एक इंटरव्यू दिल्ली में भी हुआ था, वहाँ पर मुझे 19,000 रुपये सैलरी मिल रहा था, और आराम से मैं उस जॉब को करता, लेकिन सुपरवाइज़र की वहाँ पोस्ट मिल रही थी, लेकिन मैं क्या किया कि वहाँ पे मुझे सीखने का ना मिलता, इसलिए एज ए MST मैंने ज्वाइन किया। MST मल्टी स्किल टेक्नीशियन है कि इसमें जो है आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिकल का आपको पैनल का पूरा रीडिंग आपको लेने के लिए मिल जाएगा, साथ साथ DG का पूरा रीडिंग करना, DG को इन्फेक्शन करना, HC चेक सारा मिल जाएगा, HVAC से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और फायर फाइटिंग से रिलेटेड कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके क्या क्या होते हैं,
हर कंपनी का, तो आपको सारा नॉलेज एमएसटी में मिलेगा। और सबसे पहले हम आप लोग से यही कहेंगे कि आप लोग पहले इलेक्ट्रीशियन को ज्वाइन करिए, आप अपने पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड को मजबूत करिए। बाकी सर तो यहाँ पे बैठे हैं आपको एचवीएसी कराने के लिए और सब चीज़ कराने के लिए, तो पहले आप जो स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन में कमज़ोर हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट उनको मतलब काफ़ी अच्छे से नहीं पता है, तो पहले वो इलेक्ट्रीशियन को ज्वाइन करिए, उसको जिसका जो पहले से जिसका नॉलेज है वो अपना एमएसटी ज्वाइन करे। और सर यही हमारा व्यू है और काफ़ी मुझे सर अच्छा लग रहा है जो भी बताया ना, मतलब काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव और रियलिस्टिक। मतलब देखो पॉजिटिव तो ठीक है, उससे ज़्यादा रियलिस्टिक है कि मैं अपने बारे में बताऊँ ना, मैंने जीरो से ही स्टार्ट किया था। इवन लोग सोच नहीं सकते हैं कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। और ये स्किल्ड हिंदुस्तान में ये स्टार्ट हुआ है ना, ऐसा ही नहीं हुआ है स्टार्ट, ये स्टार्ट हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैंने जीरो से लेके यहाँ तक मेरी जो लास्ट सैलरी थी करीब 1.5 लाख के करीब थी जी सर। तो मेरी पहली सैलरी थी 4200 रुपये जी। तो 4200 रुपये से वहाँ तक जब पहुँचने का जो रास्ता था ना, उसमें जो जो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, जो प्रॉब्लम आई, तो वो सारी चीज़ें समझ में आई कि भाई ठीक है यार, लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, कैसे मैं उसको आसान कर सकता हूँ। जॉब छोड़ने के बाद बहुत सारी मेरे को परेशानी हुई, मतलब ठीक है यार कुछ नहीं हो रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो भाई जीरो से अगर आपको हीरो बनना है ना, तो सारी मेहनत करनी पड़ेगी। एक आपका जो डिसीजन की मैंने भी 2-3 बार ये डिसीजन लिया था कि मैंने कम पैसे ज्वाइन करके ज़्यादा जहाँ नॉलेज मिले उसको ज्वाइन करो। लोग सोचते हैं सर पैसा कम मिल रहा है, सर मैं तो इंजीनियर हूँ, बीटेक किया, मैं तो इंजीनियर हो गया हूँ, तो वो चीज़ों इसको छोड़नी पड़ी। सर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, मुझे 24 तारीख ही ज्वाइन हुआ, अभी 27 तारीख है, 4-5 दिन ही हुआ है ज्वाइन किए, लेकिन वहाँ के जितने भी इंजीनियर हैं, जितने भी सुपरवाइज़र हैं, जितने भी मैनेजर हैं, क्योंकि सर मैं इंटरव्यू जैसा कि आपने मुझे पढ़ाया, मैं डायरेक्ट वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, मेरा कोई रेफरेंस कुछ नहीं था, मैं डायरेक्ट वहाँ पे विप्रो में जो है वैकेंसी चल रही थी और मैं वहाँ पे डायरेक्ट गया। मेरा उन्होंने टेक्निकल जो इंजीनियर थे मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने पास किया, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उन्होंने डायग्राम मुझसे बनवाया, उसके बाद SLD सिंगल लाइट डायग्राम जो मेरी पूरी सप्लाई UPP से आया, नोएडा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आई, जो NTPC मेरी सप्लाई जो आती है, पूरा ब्रीफली उन्होंने डायग्राम बनवाया, उसके बाद मोटर के मुझसे कनेक्शन करवाए, सारा चीज़ें मुझे अच्छे तरीके से वहाँ पे करवाए, तो उसमें मैं पास हो गया। तो उन्होंने फिर अपने मैनेजर को फ़ोन किया मेरे सामने ही, तो उसके बाद बोले कि यार बंदा तो अच्छा है, क्योंकि सर इंटरव्यू में 4 लोगों का वहाँ पे 4 लोग गए थे, उसमें से केवल अकेला मैं ही सेलेक्ट हुआ था। और मेरा भी सिलेक्शन सर ST इलेक्ट्रीशियन के लिए हुआ था, उसमें भी सैलरी 19600 थी, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं था, इसकी वजह से मैं एज MST ज्वाइन किया। और सबसे बड़ी बात है टेक्निकल मैनेजर आए, खुद उन्होंने फिर मेरा इंटरव्यू लिया, तो बोले कि तो काफ़ी बंदा ठीक है। तो उन्होंने पूछा किसके रेफरेंस से आए हो, कैसे यहाँ पे, हम कहे सर रेफरेंस मतलब हम मुझे पता ही नहीं क्या, तो बोले हम कहे सर वो तो कुछ नहीं, तो बोले अरे यार इसका तो मेरा रेफरेंस लिख दो मेरा, ये काफ़ी वो है। तो उसके बाद फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं किसी के पूछ नहीं, मैं आपने जैसा पढ़ाया मैं हर जगह अपना जाके इंटरव्यू दिया, तो मुझे सफलता मिली। और सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस मुझे आया सर, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। अब मैं कहीं भी अब यहाँ जॉब कर रहा हूँ, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सीखूँगा, अपने अंदर एक जिज्ञासा भी है कि सारी चीज़ों को मैं समझूँ सीखूँ, और उसके बाद मैं आगे इंटरव्यू देता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। एक 1 लाख रुपए की बात अभी बताने जा रहा हूँ आपको भी, जो देख रहे हैं उन लोगों को भी जी। आपको क्या करना है ना, जब पहली सैलरी आएगी जी, उसमें से 2000 रुपए निकालने हैं आपको। ओके सर। और उन 2000 रुपए को आपको खर्च करना है। खर्च कहाँ करना है, आपको इंटरव्यू देने में उस 2000 को खर्च करना है अगले तीन महीने में आपको जहाँ पर भी लगे कि भाई सुपरवाइजर का इंटरव्यू है, एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू आपको देने हैं। यानी कि 2000, सपोज आपको गुड़गांव में मिल गया, भाई जिस दिन आपकी छुट्टी है गुड़गांव में है, भाई गुड़गांव में आने जाने में आपके 200-300 रुपये खर्च हो गए, 300 रुपये मेरे खर्च हो गए। मेरा नोएडा में इंटरव्यू है या ग्रेटर नोएडा में इंटरव्यू है या गाजियाबाद में इंटरव्यू, जहाँ भी इंटरव्यू है आज मेरे, जिस दिन तुम्हारे 2000 रुपये खत्म हो जाए ना जी, उस दिन फिर एक बार हम लोग दोबारा इस इंटरव्यू को करेंगे। और तुम अपने आप ही बताओगे कि सर कि मैं 15000 से 22000 से 23000 पे पहुँच गया हूँ, सिर्फ वो 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके।
ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। तो ये ना मतलब कई लोगों को मजाक लगता है, बट इससे बड़ी रियलिटी कोई नहीं है। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले थे, एक पर्सन था, बोला सर मैं इंजीनियर नहीं बन पा रहा हूँ, सुपरवाइजर होगा, मैं 10,000 रुपये लगेंगे भाई। बोला सर 10,000 कौन सा कोर्स करना पड़ता? कोर्स नहीं करना है, खाली इंटरव्यू देने हैं आप लोगों को। 6 महीने में वो 10,000 रुपये आपको खर्च करने हैं, जितने भी इंटरव्यू दे जाएँ, 10, 20, 50, 100, 200, 300, तुम 100% इंजीनियर बन जाओगे। तो चीज़ें हैं देखो भाई, लोगों को पता नहीं है, लोग चिपक के रह जाते हैं एक जगह पे, अपनी नॉलेज को ग्रो नहीं करते। बिल्कुल सर, कम्फर्ट जहाँ वीक लगे, स्किल्ड हिंदुस्तान है आप लोगों के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए, बहुत कम पैसों में हम कोर्सेज कराते हैं। बिल्कुल। तो नीरज, मैं आपको दोबारा से बधाई देता हूँ और आपके एक अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और मैं बताया ना कि कुछ लोगों को ना यार देखो, मेरे अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, मतलब ऑब्जर्व हो जाती हैं कि ये बंदा कहाँ तक जाएगा। बिल्कुल सर, मैं आपसे सर वादा कर रहा हूँ एक चीज़ और, कि मैं अगले यही एक साल में सर एग्जीक्यूटिव बन जाऊँगा, ये सर मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मैं अपना 100% दूंगा सर, क्योंकि मैं अपने आप कोर में घुस गया हूं, मुझे माध्यम नहीं मिल पा रहा था, एक मुझे रास्ता मिल गया है। बाकी आप गाइडेंस कर रहे हैं, बाकी हमारे पवन सर हैं, सचिन सर हैं, इन लोग भी हमारे गाइडेंस, ओम लोचप सर हैं हमारे इस टीम के जो है, सब कुछ है, मेरी पूरी फैमिली है स्किल्ड हिंदुस्तान की। मैं तो पवन को और एक बार सचिन को कहूँगा, प्लीज़ एक बार थोड़ा सा वो भी कैमरे के सामने आएँ जी। अभी वो कैमरे का सेटअप देख लेना भाई, तुम कहाँ तक आओगे। तो ये हमारे सचिन सर हैं, आप लोग को बताना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे गाइडेंस दिया, पढ़ाया। बाकी सर मैनेजमेंट का सब कुछ जो है सर ने मुझे गाइड किया, बाकी पढ़ाने का जो ऑफलाइन ट्रेनिंग करने का काम था सर ने मुझे दिया। बाकी ये सर हैं टेक्निकल, ये भी आपको बताएंगे, सारा प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए दो लोग आप पर्याप्त हैं, बाकी सर तो बैठे ही हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो टीम है, अभी देखो टीम में ऐड हो रहे हैं, इन चेहरों के पीछे भी और चेहरे हैं बहुत सारे जो, और हाँ केपी यादव सर हैं, मैं उनका भी सर धन्यवाद करना चाहता हूँ, वो भी ऑनलाइन क्लास में उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया, हम लोग को सर समझाया। और तो वही है भाई, आप लोगों ने अपना भविष्य चेंज करना है ना, तो स्किल्ड हिंदुस्तान आपके लिए एक बेहतर रास्ता है। यहाँ पर ना हमने बिजनेस नहीं खोल रखा है, हमने स्किल इम्प्रूव करने के लिए, लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए ये सिस्टम है, स्किल्ड हिंदुस्तान है। तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, और सचिन और पवन कुछ बोलना चाहें तो। सबसे पहले तो मैं मिस्टर नीरज कुमार को कंग्रेचुलेशन, मिस्टर बधाई हो, और आप एक अच्छी पोस्ट पर पहुँचे। ओके, एकदम मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ मिस्टर नीरज कुमार। थैंक यू सो मच। तो मैं कहना चाहूँगा इसके हिंदुस्तान में जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप आइए और हमसे जुड़िए, आपको यहाँ पे पूरा 100% हम आपको अपना देंगे आगे आपके भविष्य के लिए, आपके ग्रोथ के लिए। थैंक यू एवरीवन। तो हम वही कहते हैं कि जय हिंद, जय हिंदुस्तान। थैंक यू।